आज हम जानेंगे इफ फंक्शन के बारे में वो भी कंप्लीट डिटेल में, साथ में हम उसे एग्जांपल के साथ यूज करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इफ फंक्शन करता क्या है। इफ फंक्शन चेक्स वेदर ए कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। इसका मतलब ये है कि इफ फंक्शन कंडीशन को चेक करता है, अगर उसकी कंडीशन मैच होती है तो वो रिटर्न में हमें ट्रू वैल्यू देता है, अगर उसकी कंडीशन मैच होती है तो वो रिटर्न में ट्रू वैल्यू देगा, अगर उसकी कंडीशन मैच नहीं होती तो वो हमें रिटर्न में फॉल्स वैल्यू देता है। ठीक है, यू मस्ट नो कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर आप इफ फंक्शन या लॉजिकल फंक्शन में से कोई भी फंक्शन को यूज करते हो, जैसे कि इफ एंड और स्विच फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर आप यूज करते हो लॉजिकल फंक्शन में से, तो आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सीख जाओगे। ठीक है, इसके बाद हम इफ फंक्शन का सिंटेक्स देखते हैं, यानी किस तरीके से इफ फंक्शन को लिखा जाता है एक्सेल में। सबसे पहले इक्वल, जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो इक्वल देते हैं, इसके बाद फंक्शन का नेम जो कि है हमारा इफ, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आर्ग्यूमेंट आते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, इसके बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ ट्रू, थर्ड आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से इफ फंक्शन को लिखा जाता है एक्सेल में। तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं, तीनों आर्ग्यूमेंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में हम अपनी कंडीशन को बनाते हैं जो इफ फंक्शन चेक करता है। ठीक है, तो लॉजिकल कंडीशन कैसे बनती है, लॉजिकल कंडीशन को बनाने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला होता है इक्वल, इसके बाद हमारे पास होता है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन को मिलाकर बनता है। ठीक है, इक्वल और इसके बाद नॉट इक्वल, इसके बाद हमारे पास होता है ग्रेटर देन, इसके बाद होता है लेस देन, इसके बाद होता है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके बाद होता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू। छह ऑपरेटर होते हैं, इन छह ऑपरेटर को कहते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या कहते हैं हम? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से हम अपनी लॉजिकल कंडीशन बनाते हैं और इफ फंक्शन लॉजिकल टेस्ट करता है, यानी उसी कंडीशन को टेस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट है हमारा वैल्यू इफ ट्रू। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारी कंडीशन सही होती है, अगर हमारी कंडीशन सही होती है तो जो भी हमने वैल्यू इफ ट्रू में लिखा होता है ये उसको रिटर्न कर देता है, यानी उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। कौन सी वैल्यू? जैसे कि आप इसमें कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट वैल्यू दे दी या नंबर वैल्यू, दोनों में से कोई भी ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन सही होती है तो वैल्यू इफ ट्रू में जो भी वैल्यू आपने लिखी होती है ये उसको रिटर्न कर देता है, चाहे आपने टेक्स्ट लिखा है चाहे नंबर। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये क्या करता है, जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है हमारा वैल्यू इफ फॉल्स, उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, इसमें आपने चाहे टेक्स्ट दिया हो चाहे नंबर दिया हो कुछ भी दिया हो ये आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, दोनों में से कैसी भी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, लॉजिकल टेस्ट में हम अपनी कंडीशन बनाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की मदद से। अगर हमारी लॉजिकल कंडीशन सही होती है तो वैल्यू इफ ट्रू आर्गुमेंट में हमने जो भी लिखा होता है ये उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है, चाहे नंबर हो या टेक्स्ट हो। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये थर्ड आर्गुमेंट जो कि वैल्यू इफ फॉल्स है, इसमें जो हमने लिखा होता है ये उसको रिटर्न करता है। ठीक है, ये हमारा इफ फंक्शन होता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बना रखा है, मैंने यहाँ पर नेम ले रखा है अमित, एज ले रखी है अमित की 15, इसके बाद यहाँ पर मैंने एक एज का क्राइटेरिया ले रखा है जो कि है वोटिंग एज का। अब देखिए वोटिंग एज कितनी होती है हमारी 18, तो हम यहाँ देखना चाहते हैं कि अगर अमित की एज 18 साल की है तो क्या वो वोट दे सकता है, क्या वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, तो हम ये चेक करेंगे इफ फंक्शन की मदद से। तो मैं चाहता हूं कि अगर अमित की एज 18 साल है तो एलिजिबल वाले सेल में हमारे पास यस आए, अगर वो 18 साल का नहीं है तो एलिजिबल वाले सेल में हमारे पास नो आए। तो ये हम इफ फंक्शन से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबल वाले सेल में मैं दूंगा इक्वल। जब हम किसी भी सेल में फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो वो हमें अपने फॉर्मूला है फॉर्मूला बार में भी शो होता है, तो जो भी मैं फॉर्मूला या फंक्शन लिखूंगा वो फॉर्मूला बार में लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे इफ, ठीक है, जो कि हमारे फंक्शन का नेम है, ब्रैकेट ओपन, और जो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है हमारा लॉजिकल टेस्ट। इसमें हम एक कंडीशन बनाएंगे और कंडीशन हम चेक करेंगे कि अमित की एज 18 साल है या नहीं। ठीक है,
तो इसके लिए यहाँ पर मैं जिसमें अभी की एज लिखी है उस सेल को सिलेक्ट करूंगा। तो ये मेरा बी कॉलम है और ये टू रो यानी बी टू, ये मेरा जो सेल है ये बी टू, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी टू, ठीक है। इसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि अमित की सेल अमित की जो एज है वो 18 साल के बराबर है यानी इक्वल, तो यहाँ पर मैं इक्वल लगाऊंगा यानी जो कंपेरिजन ऑपरेटर में मेरे पास इक्वल वाला होता है उसको लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल। इसके बाद मैं किससे मैच करना चाहता हूँ अमित की एज, वोटिंग एज से, तो वोटिंग एज वाला सेल कौन सा है हमारा ई टू, ये ई कॉलम हो गया टू रो तो ये ई टू है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ई टू। आप डायरेक्ट यहाँ पर एज भी लिख सकते हो 18, लेकिन यहाँ पर मैंने सेल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी बन गई लॉजिकल टेस्ट यानी लॉजिकल कंडीशन बन गई। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये हमारी कंडीशन सही होती है तो हम क्या रिटर्न कराना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं अगर अमित की एज 18 है तो वो हमें क्या दे दे यहाँ पर येस, तो डबल कोट में लिखेंगे जब हम कोई टेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो वो डबल कोट में होती है, टेक्स्ट वैल्यू डबल कोट में होती है, और जो नंबर होता है आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो यानी डबल कोट देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर कोई नंबर होता है नंबर रिटर्न करा रहा होता तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता, लेकिन हम जब कोई टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न कराते हैं तो उसके लिए हम उसको हम डबल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ अगर अमित की एज 18 साल है तो भाई यस दे दो, ठीक है, लेकिन अगर अमित की एज 18 साल नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स, जो कि हमारा ये आर्गुमेंट चलेगा, तो अगर अमित की एज 18 साल नहीं है तो हमें क्या दे दे नो, तो ये भी टेक्स्ट है इसलिए मैंने डबल कोट में लिखा है। ये हमारे इफ फंक्शन लग गया, कंडीशन बना दी कि भाई अमित की एज 18 साल होनी चाहिए, अगर अमित की सेल 18 साल होगी, अमित की एज 18 साल होगी तो वो हमको यस देगा, अगर अमित की एज 18 साल नहीं होगी तो वो हमें नो देगा। अब जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा नो, क्योंकि अमित की एज है 15 साल, ठीक है, अमित की एज कितनी होनी चाहिए 18। अगर हम यहाँ पर अमित की एज कर दे 18 तब हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर नो की जगह यहाँ पर आएगा हमारे पास यस, ठीक है। तो हमने क्या चेक करा यहाँ पर, इस फंक्शन लगा के कि भाई अमित की एज अगर 18 साल है तो वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, अगर इसकी एज 18 साल नहीं है तो भाई एलिजिबल वो नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने सिर्फ 18 साल को देखा कि भाई इक्वल होनी चाहिए, लेकिन अगर हम कह रहे हैं भाई अमित की एज मतलब जो वोटिंग क्राइटेरिया है वोटिंग एज या तो 18 साल हो या 18 साल से अगर ऊपर का है तब भी वो वोट दे सकता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि भाई 18 साल का है तो वही वोट देगा, 18 साल से ऊपर का चलेगा तो वोट नहीं दे पाएगा, बस 18 साल पार करनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर हमने इक्वल लगा रखा है, इक्वल मतलब होता है कि वो मैच करेगा कि भाई 18 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 19 लिख दूंगा तो ये यहाँ पर नो दे देगा, नो इसलिए देगा क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल लगा रखा है ना। लेकिन हमारा वोटिंग का क्राइटेरिया ये होता है कि भाई या तो 18 का हो या 18 से ऊपर की है, 19, 20 कितना भी हो भाई वो एलिजिबल हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मैंने इक्वल लगाया है ना यहाँ पर मैं इक्वल की जगह लगाऊंगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा सिर्फ, अगर मैं यहाँ पर मान लो सिर्फ ग्रेटर देन लगा दिया मैंने, अगर मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा इसका मतलब ये है कि वो 18 से ऊपर का ही होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पर 18 भी एज होती है मेरी तब भी नो ही आता, लेकिन हम क्या कह रहे हैं भाई 18 का है तो वो वोटिंग दे सकता है, ठीक है, 18 का भी है तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं मतलब 18 से ऊपर का है तब भी तो वो वोट दे ही सकता है, लेकिन अगर उसकी एज 18 भी है यानी इक्वल है ग्रेटर देन इक्वल है तब भी भाई वो वोट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू लगाएंगे तो भाई चाहे उसकी एज 18 हो तब भी वोट दे पाएगा, अगर उसकी एज 18 से ज्यादा होगी यानी 19, 20 जितनी भी होगी तब भी वो वोट दे पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉजिकल टेस्ट बनाई और यहाँ पर हमने यस और नो रिटर्न कराया एक वोटिंग का क्राइटेरिया बना के। तो आई होप आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आया, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, क्लियर कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।